अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको दुनिया के ऐसे परिंदों के बारे में बताएंगे जो दुनिया में आपको कहीं कहीं नज़र आएंगे और ये बहुत ही नायाब परिंदे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनक्रेडिबल परिंदे की। ये परिंदा जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसकी मूंछें हैं, ये सिर्फ़ आपने ऐसा इंसानों में ही नहीं देखा होगा बल्कि ये जानवरों में भी और परिंदों में भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनकी मूंछें होती हैं। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और बहुत ही नायाब परिंदा पाया जाता है, लेकिन ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद है टर्मिनक्स। नाज़रीन, ये जैसा आपको नज़र आ रहा है जैसे इंसानों में दाढ़ी होती है, वैसे इसकी खासियत भी यही है कि इसकी दाढ़ी होती है और ये मूंछों वाला जो परिंदा है इससे बिल्कुल भी डिफरेंट पाया जाता है। लेकिन जब भी कभी इसको कोई फीमेल नज़र आती है तो इसकी मूंछें बिल्कुल ऊपर की तरफ जाके बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, ना कि ये फैलती हैं। ये इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही नायाब परिंदा है और ये दुनिया में आपको कहीं कहीं ही मिलेंगे। और इसके बाद नंबर 3 भी आता है किंग वल्चर। ये दुनिया का इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही नायाब परिंदा है। ये भी दुनिया में आपको कहीं कहीं ही नज़र आएंगे और ये हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जिसामत में दूसरे परिंदों से बहुत ही बड़ा नज़र आता है और इसकी गर्दन के गिर्द सुर्ख रंग इसकी सबसे बड़ी पहचान और कामयाबी है। ये दुनिया के बड़े परिंदों में पाया जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत और नायाब परिंदा है। नाज़रीन, ये एक ऐसा परिंदा है जिसको आप अपने घर में नहीं पाल सकते बल्कि ये जो है जंगलों में पाया जाता है। इसके बाद जो परिंदा है वो है प्रोटो बर्ड। ये दुनिया का बहुत ही नायाब, बहुत ही खूबसूरत परिंदा पाया जाता है और ये भी पाकिस्तान में पाए जाने वाले जो परिंदा है उल्लू उससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ है। लेकिन इसकी भी एक ही खासियत होती है कि ये भी रात को ही नज़र आता है और दिन पूरा सोता रहता है। जब दूसरे जानवर इस पर हमला करते हैं तो ये उनसे बचने के लिए ऐसे दरख्त पर बैठता है जिसकी जिसामत बिल्कुल भी इसके कलर से मैच करती है और ये इसकी बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है और एक तरह से ये इसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है क्योंकि दूसरे परिंदों से बचने के लिए। और इसके मुंह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का शिकार करता होगा। इसका मुंह इंतहाई बड़ा होता है और ये पाकिस्तान में पाया जाने वाला जो परिंदा है उल्लू बिल्कुल इससे मुशाबत रखता है। और इसके बाद दुनिया में पाया जाने वाला सबसे खूबसूरत परिंदा जो रेड कलर का होता है, ये भी आपने कहीं कहीं ही देखा होगा। ज़्यादातर ये नॉर्दर्न एरियाज़ में पाया जाता है और ये इंतहाई ही खूबसूरत परिंदा और बहुत ही छोटा परिंदा होता है। और नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसका कलर सबसे डिफरेंट होता है और ये जो है दो तरह की आवाज़ें निकालता है। एक तरह की आवाज़ जब इसे खाना नज़र आता है तब निकालता है और एक तरह की आवाज़ जब इसे ख़तरा महसूस होता है तब निकालता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ये आवाज़ निकालता है, ख़तरा महसूस होता है, तो इसके जो दूसरे साथी होते हैं वो भी इस ख़तरे से बच जाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं। और जब खुराक इसे मिलती है तो ये ऐसी आवाज़ें निकालता है कि जब दुनिया दूसरे परिंदे भी जो हैं खुराक खाने के लिए इसके पास जमा हो जाते हैं। और इसके बाद है रोज़ ब्रिसड कॉकटेल। ये दुनिया का इंतहाई खूबसूरत परिंदा है। इसके सर पे बाल होते हैं और खड़े बाल होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि बहुत से ऐसे परिंदे होते हैं जिनको आप घरों में पाल सकते हैं और ख़ास करके यहाँ पे जो परिंदे, इनमें से किसी एक परिंदों को भी आप घरों में नहीं पाल सकते सिवाय इसके। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और लोग ज़्यादातर इसको पालतू परिंदे के तौर पर
पालते हैं। ये दुनिया का इंतहाई खूबसूरत और